जी फ्रेंड्स, आटा मैंने गूंद लिया है। मैंने आटे में अच्छे से मुठियां लगा ली हैं और अब हम लेंगे ऐसे नॉर्मल साइज़ के पेड़े। पांच पेड़े बनाऊंगी और उनकी बनाऊंगी पांच रोटियां। पांच रोटियां बेलकर फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो बहुत ही लाजमी स्टेप है, तो हमें वो ज़रूर करना है। एक प्याली ले लेनी है, इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच आटा, 3 चम्मच के करीब ही डालूंगी ऑयल और इसे कर लूंगी अच्छे से मिक्स। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारे लच्छेदार पराठे के लिए, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये किस तरीके से लगाएंगे करेंगे ये भी मैंने आपको बताना है, तो आपने एंड तक मेरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। ये देखिए जी, ये हो गया हमारा मेथड तैयार। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 रोटियां मैं बेल चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि आपका आटा अच्छे से गूंदा हुआ होना चाहिए, अच्छे से मुठियाँ लगी हुई होनी चाहिए। अगर आपका आटा अच्छा हुआ गूंदा हुआ नहीं हुआ तो आपकी जो पराठे के बल है ना वो खुलेंगे नहीं, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। अच्छा जी, ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है अब हमने वो यहाँ ऐड करना है। इस तरीके से इस पे डालना थोड़ा सा आटा और इस पे डाल देनी है दूसरी रोटी जो हमने बेली है, इस तरीके से। वापस हमने वही स्टेप करना है। फिर से हमने थोड़ा सा आटा डाल देना है, फिर से रोटी डाल देनी है। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हमने 5 रोटियों पे ऐसे ही करना है तरीके से। अच्छा जी फ्रेंड, ये देखिए 5 रोटियां मैंने डाल दी हैं। अब बचा हुआ जो हमारा लेफ्ट है ये भी हमने इस पे ऐड कर देना है, ज़ाया नहीं करना। तरीके से हमें लगा देना है। ये डेप हमारी हेल्प करेगा, हमारे पराठों के बल खोलने में बहुत हेल्प करेगा। अब हमने क्या करना है, इसको यूं रोल कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल नरम हाथ से फ्रेंड्स आपने काम करना है, ढीले हाथों से तरीके से इसे बड़े करते जाना है इस तरीके से। जी फ्रेंड, देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, साफ सुथरी एक लेनी है, साफ सुथरी साफ कर लेनी है मैंने, और उसके अपने हिसाब से मैंने पेड़े कटिंग कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जी बेटा, तरीके से आप अपने हिसाब से कर ले, आपको जितना मोटा पराठा चाहिए नॉर्मल चाहिए इस हिसाब से आपने कट कर लेना है। ये थोड़ा छोटा कटिंग हो गया, खैर है। ये देखें जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से अभी से हमारे बल खुलने शुरू हो गए हैं, तो हमने इसे इस तरीके से करना है और नरम नरम हाथों से हमें इन्हें इससे बेल लेना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेल कर भी। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पेड़ों की लुकिंग कितनी ज़बरदस्त सी आई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इनको बेल कर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल स्लो हाथ से इसे बेलना है,
पूरा जोर नहीं लगा देना ताकि हमारे जो बल है ना वो ख़राब हो जाए। बहुत स्लो हाथ से हमें इसे बेलना है। मैंने फ्लेम पर तवा भी रख दिया है ताकि तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमारा पराठा फटाफट से बन जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल स्लो स्लो हाथ से हमें इसे बेलना है, पूरा जोर नहीं लगाना है। हम जितना स्लो काम करेंगे हमारा काम उतना ही अच्छा और बेस्ट होगा। तो आपको इस तरीके से पराठा बेलते जाना है। ये देखें जी, अब इस तरीके से करते जाएंगे तो हमारा पराठा खुद ब खुद ही रेडी होता जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड, आपने एंड तक मेरी वीडियो देखनी है कि किस तरीके से मैंने पराठा तवे पर बनाना है और इसकी लुकिंग एंड में कैसी आती है, तो आपने स्किप नहीं करना, एंड तक मेरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, मेरा पराठा बन गया है, यानी बेल लिया है। अब मैं आपको तवे पर बना के भी दिखाती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, तवा हमारा हो चुका है गरम, काफ़ी हद तक गरम हो चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और जो पराठा हमने बनाया है वो डाल दूंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें बैक साइड से पराठा मेरा पक चुका है और कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आया है। अब मैंने लाइट लाइट सा इस पे घी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा जी फ्रेंड्स, देखिएगा आप, मैंने इसको लाइट लाइट करना है। खबर बेटा गरम है मरीहा, हल्का हल्का घी डालूंगी तो भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा हमारे पराठे का और बहुत से अच्छे बल भी खुलेंगे। असल में फ्रेंड्स, एक पराठा मैं बना चुकी हूँ जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। मरीहा काफ़ी तंग कर रही थी जिस वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करके और वो पराठा उतारना पड़ा। ये दूसरा पराठा भी आपको दिखा रही हूँ, एंड में वो पराठा भी बना हुआ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है हमारे पराठे का। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर ट्राई करना है। लाइट फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। असल में मेरी आदत ना फ्रेंड्स, मुझे हाथ से बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चिमटे वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे हाथ से बनाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे यूँ लगता है कि हाँ आज मेरी ये कुकिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे बल कितने ज़बरदस्त से फूलना तैयार हो गए हैं, मतलब फूल रहे हैं हमारे बल। थोड़ा सा अभी कच्चापन है तो इसे अच्छे से पका लूँगी, फिर मैं आपको लास्ट इसकी दिखाती हूँ कि ये हमारे कितने ज़बरदस्त सा पराठा बनके तैयार हुआ है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है दोनों साइड से। मैंने आपके सामने बहुत कम ऑयल लगाया है, आप ऑयल में लगाएं, बना लें, घी में बना लें, मक्खन में बना लें, जिस चाय बना लें, जैसे भी बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं पराठे। तो अब मैं आपको इसके बल भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसके बल खुल रहे हैं। देखिए जी फ्रेंड्स, ये पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, गरम है। ये देखें जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बल हमारे बन रहे हैं। और ये पराठा भी मैंने बना लिया था, तो ये भी मैं आपको चेक करा देती हूँ, तो आपने देखना है इसको भी। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनके हो गया है रेडी और खाने में बहुत टेस्टी है ये पराठे। ये देख सकते हैं आप कि कितने ज़बरदस्त से इसके बल खुले जा रहे हैं। इससे हम चाय पराठा भी खाएं या किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ा आता है।
तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके लच्छेदार पराठे कैसे बनते हैं और आप कैसे बनाते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।